अभी व्यवस्थाएं हमारी प्रारंभिक रूप में जो है व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो रही हैं, और हमने कल रात को 2 पेशेंट से अब करीबन हमारे 8 पेशेंट एडमिट हुए हैं, और ये हमने अभी तक लो फ्लो ऑक्सीजन के हिसाब से रखा है, जहाँ पर हम 85 से 90 ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए पेशेंट्स को यहाँ रख रहे हैं। 90 से ऊपर को यहाँ पे या कहीं भी किसी भी अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनके लिए सारी सुविधाएं अभी जो है हमने करा दी है, उसमें खाने की भी है, पानी की भी है, नर्सिंग की भी है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, और हमारी लो फ्लो की लाइन जो यहाँ पर पूरी लाइन जो है वो 27 बेड पे अभी तक जो है हमने तैयार हो गई है, और अब अगले संडे के बाद में शायद रविवार के बाद हमारे को ऊपर के और बेड मिलके कुल मिला के 100 बेडेड ये ऑक्सीजन लाइन युक्त जो है पूरा हॉस्पिटल बन गया है। सर ये पंचील में जिसमें कि वही है ना? हाँ, ये पंचील का हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है CHC, जिसको अब कोविड हेल्थ सेंटर बनाया है। सर कितने मरीज भर्ती है, क्षमता है इसमें होने की? 100 बेड 100 बेड हो जाएंगे, अभी हमारे 27 बेड रेडी हैं। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कोई कमी नहीं है? नहीं, कोई ऑक्सीजन यहाँ कमी नहीं है। डॉक्टर संपत सिंह जोधा, एडिशनल CMHO एंड असिस्टेंट नोडल ऑफिसर फॉर दिस कोविड हेल्थ सेंटर।